including people. Vote for everybody. Vote for somebody. Bring them all. सब जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया उसको आज संपूर्ण देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अक्षर से उसको आगे बढ़ाया गया। एक समय था जब देश के अंदर जितनी योजनाएं बनती थी वो योजनाएं कुछ विशेष लोगों के लिए बनती थी और उस पर ध्यान केवल इसलिए रखा जाता था कि किस प्रकार से राजनीतिक हितों को साधा जाए, न तो सामाजिक हितों का ध्यान दिया जाता था, न उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा जाता था, न समाज को आगे बढ़ाने की बात होती थी, केवल और केवल देश के अंदर जो भी फैसले लिए जाते थे वो फायदे और नफे नुकसान के आधार पर लिए जाते थे। भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां देश के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम हुआ, काम प्रारंभ हुआ, वहीं ऐसे हमारे जो पिछले हुए समाज है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, शोषित है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, उन सभी को आगे लाने का काम किसी के कालखंड में प्रारंभ हुआ है तो भारत माता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई बहनों, आज के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, लगातार जिस पर हमारे पूर्वज काम करते आए हैं, उससे जुड़े रहकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कई बार होता है सर कि हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, जीवन की दौड़ में आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से अगर हम कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो खड़ा रहता है लेकिन उसकी जड़ें से टूटी होती है। हम तो कह एक दिन पेड़ भी सूख जाता है, पहले टहनियां सूखती हैं, फल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियां बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे वह वृक्ष भी धराशायी हो जाता है। इसलिए आज जो हमारा जनजाति समाज है वो हमारे पट वृक्ष रूपी देश की मजबूत जड़ों के समान है और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसने जनजाति समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा अभी यहां से समाज कल्याण मंत्री जी बहुत सारी बातों को बता रहे थे कि विक्टोरिया जी ने भी जनजाति समाज के क्षेत्र में हम लोग जहां तमाम प्रकार से उनकी शिक्षा को लेकर, उनके उन्नयन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, नए नए आवासीय विकल्प विद्यालय पिछले सालों में खुले हैं, चाहे वो बाजपुर का हो, चाहे खटीमा का हो, हमारा चकराता क्षेत्र में चलने वाला विद्यालय पहले से ही चल रहा है और मैं पिछले समय में जब अर्जुन मुंडा साहब से मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि सूर्यमुखी क्षेत्र हमारा जो धारपुरा मुंशारी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में और एक हमारे इधर कमोनी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जरूर आवासीय विद्यालय खुलने चाहिए, आवासीय उपलब्ध विद्यालय खुलने चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र हमारे बहुत सीमांत के क्षेत्र हैं और क्योंकि सभी जगह के बच्चे वहां भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को एक बड़ा शिक्षा का केंद्र वहां पर मिल पाएगा और इस दिशा में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हमने पत्राचार भी किया है और आगे मैं स्वयं उनसे मिलूंगा तो इस समाज में जरूर उनसे बात करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा और भी जो हमारे
जो आवासीय एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं उनको और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। बहुत सारे जो उनके अंदर अभी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं, और वैसे भी भारत सरकार का आदिवासी मंत्रालय हो या हमारा जनजाति मंत्रालय हो, हमारा समाज कल्याण विभाग हो, वो उसके विकास के लगातार काम कर रहा है, चरणबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। कहीं पर ट्रैक बनेगा, कहीं पर उसमें म्यूजियम बनेंगे, अंदर जो है तमाम प्रकार से अनेकों अनेकों अच्छी अच्छी लाइब्रेरिया, अच्छे अच्छे पढ़ने के स्थान, खेलने के स्थान, जो हमारे बच्चों के भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक होगा। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजाति समाज के उनका एक बड़ा योगदान रहा है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। इस योगदान का स्मरण करते हुए पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, और हमारी सरकार ने पिछले वर्ष ONGC में इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाया था। आज भी प्रातःकाल से मैं दूसरी बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। प्रातःकाल जो है आज बड़ी शोभा यात्रा निकली और मुख्यमंत्री आवास से ही वो शोभा यात्रा निकली, और उसमें हमारे यहाँ के जहाँ पार्टियों जनजाति समाज के लोग, चाहे वो भोटिया जाति के हों, चाहे भाऊ जनजाति के हों, या बक्सार के हों, राजी हों, या जौनसार के हों, सभी लोग अपने अपने वेशभूषा में, अपने पारंपरिक जो उनके पहनावा था उसमें आकर उन्होंने अपने अपने उसका प्रदर्शन किया, और सब लोगों ने बड़ा शानदार हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम जहाँ हमारे कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं, और गैर जनजाति समुदाय को भी जो जनजाति समाज की कला और संस्कृति है उसकी विशेषताओं से नजदीक से उसको जानने का, उसको अवगत कराने का भी कार्य करते हैं। भाई बहनों, आज भारत अपना दूसरा जनजाति गौरव दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जनजाति समाज के अविस्मरणीय योगदान, जिसको बुलाया नहीं जा सकता है, उसको याद कर रहा है। भाजपा की सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रत्येक ऐतिहासिक कार्य का जो लोग लगातार केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करते रहे हैं, वो हमारे पूरे जनजाति सम्मेलन होते हैं, इन सम्मेलनों पर भी ऐतराज खड़ा करने का, इन पर भी ऐतराज करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम भी कैसे आयोजित हो गए। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जनजाति समाज द्वारा नव भारत निर्माण में जो जनजाति समाज का एक बड़ा योगदान है, उस योगदान का उनको भान नहीं है, उनको उसकी जानकारी नहीं है कि आज तक जनजातीय समाज के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी से देश को लगातार उसको जो असली जो तथ्य थे उन तथ्यों से दूर रखा गया, अंधेरे में रखा गया, और अगर बताया गया होता तो बहुत ही सीमित दायरे में बताया गया। पर आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है, और अब कोई भी इसकी संस्कृति और इतिहास के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। लगातार हर किसी को उसकी जो अस्मिता, उसका जो इतिहास है, उस सबको सामने लाने का काम हो रहा है। हमने आजादी के नायकों की भूली बिस्ती हुई कथाओं को देश के सामने लाना है, यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको हम सबको पूरा करना है। यह हमारा कर्तव्य भी है कि जिन्होंने देश की आजादी में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने समाज को संघर्ष में लगाया है, उसी का परिणाम है कि आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं, और भारत की आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम आदिवासियों द्वारा किए गए, जो आदिवासी जनजाति समाज के द्वारा किए गए जो बलिदान है, महान बलिदान है, कभी भूल नहीं सकते। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जो सरकार आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी, और उन्होंने आदिवासी समाज
के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकारें केवल दिखावे करती, केवल कुछ अवसरों पर आदिवासी समाज के लिए विकास की बातें किया करती थी, परंतु जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आदिवासी समाज के विकास के लिए तमाम प्रकार के नए नए प्रयोग, नए नए काम प्रारंभ हो गए। क्योंकि एक समय था 2014 से पहले भारत की जो पहचान थी वो एक डप्पू भारत के रूप में, एक पिछड़प्पू भारत के रूप में, अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में, आंखों में आंखें डालकर बात न कर सकने वाले भारत। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां 8.5 साल का कालखंड सरकार का पूरा हुआ है, इस 8.5 साल के कालखंड में भारत एक समृद्ध भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, शक्तिशाली भारत और संपूर्ण दुनिया को आंखें में आंखों डालकर बात करने वाला भारत, अपने हितों की बात करने वाला भारत, अब पूरी दुनिया को नेतृत्व देने वाले भारत को भारत की सरकार ने दिया है। भाई बहनों, आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आदिवासी समाज के हितों को ध्यान में रखकर हमारे चाहे प्रदेश की सरकार या देश की सरकार अपनी समस्त योजनाएं बना रही है। भाइयों बहनों, आज के इस पूर्ण अवसर पर आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार उत्तराखंड में आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के विकास के लिए कोई भी ऐसा काम जो करना आवश्यक होगा उसको दिन रात करती रहेगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। और आपको पूरा भरोसा है कि देश की आजादी के अमृत काल में भगवान बिरसा मुंडा जी के आशीर्वाद से जिन्होंने उस समय में अलग जगह, उस समय में आदिवासी समाज का जागरण का काम उन्होंने किया था, आदिवासी समाज के उन्नयन का काम उन्होंने किया था, इसीलिए उनको आज भगवान की श्रेणी में भगवान है। और हमारा देश अपने अमृत संकल्पों को पूरा करने में भगवान बिरसा मुंडा जी के आशीर्वाद से अवश्य सफल होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह घोषणा करता हूं कि एक कॉर्पस फंड जनजाति समुदाय की कला संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा और टीआरआई योजना फंड इसके लिए आदि जो भी योजना बनाकर जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाए, इसकी भी हम लोग एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पांचों जनजातियों की संस्था है उत्तराखंड जनजाति कल्याण समिति, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जमीन भी ढूंढने का काम करेंगे जिससे जो आगे